आप सभी को जय मसीह की, प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। मेरे भाई और बहनों, बहुत ज़रूरी बात है आज वर्शिपर्स को लेकर। प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर ऐसे सच्चे आराधकों को ढूंढ रहा है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करे। प्रभु किसी पास्टर, इवेंजलिस्ट, टीचर, प्रीचर, प्रॉफेट, अपोस्टल्स को नहीं ढूंढ रहा है। प्रभु सच्चे आराधकों को ढूंढ रहा है जो उसकी आराधना कर सके। परमेश्वर आराधकों को ही क्यों ढूंढ रहा है कि जो उसकी आत्मा सच्चाई से आराधना करे? देखो, उसका बहुत बड़ा कारण है। जब जब परमेश्वर के लोगों ने ऊंचे स्वर से उसकी स्तुति करी, उसका आदर किया, उसका महिमा की, उसको आदर दिया और उसका धन्यवाद किया और जोरों से उसकी आराधना की, तो अगर बाइबल में पढ़े, जहां जहां परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर को पुकारा है, तो उसी समय खुदावन स्वर्ग को झुकाकर उतर कर आया है और आश्चर्यकर्म हुए हैं, छुटकारे हुए हैं, दुष्ट आत्माएं निकली हैं और शत्रुओं को हारना पड़ा है, शत्रुओं को नाश किया गया है और परमेश्वर ने अपने लोगों को सदा जय दिलाई है। एक बार भी खुदावन के लोग नहीं हारे जब जब उन्होंने खुदा को पुकारा। ये बाइबल का इतिहास हमें बताता है। इसीलिए प्रभु कहता है कि मैं सच्चे आराधकों को ढूंढ रहा हूँ। अब आराधक के गुण क्या होते हैं? आराधक के गुण कई प्रकार, बहुत सारे होते हैं, लेकिन उसमें से कुछ छोटी छोटी वैसी बातें बताई जाएंगी जिनको हमें समझना जरूरी है, क्योंकि ये समय ऐसा चल रहा है खुदा चाहता है कि अपने आराधकों को अभिषेक से भरकर सामर्थ्य रूप से इस्तेमाल करना। क्योंकि देखो, जब तक आराधना नहीं होगी तब तक प्रचार भी ठंडा गुनगुना लगता है, ये सच्चाई है। देखो, जब तक आराधना नहीं होती, जब तक एक विश्वासी व्यक्ति का हृदय तैयार नहीं होता है वचन को सुनने के लिए। आराधना हमारे हृदय रूपी भूमि को तैयार करती है, हमारे मन को तैयार करती है वचन के लिए। आराधना के द्वारा छुटकारे होते हैं, कठोर हृदय नम्र होते हैं, जिसके द्वारा हम परमेश्वर के वचन को अपने हृदय रूपी नरम भूमि पर हम उपजने दें और पूरी तरीके से वो वचन रूपी बीज वो 30-60 वरन हजारों हजार गुना फल लाए और उसमें हम बने भी रहें, ताकि हम प्रभु की इच्छा को जानें और जो वचन हमने सीखा है उस वचन को सीखने के द्वारा उसके अनुसार चले, ताकि हम बहुतायत की आशीष पाएं और शैतान के सर को कुचले और हम उस अनंत मीरास के भागी हों जो प्रभु ने हमारे लिए रखी है। कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें बताई जाएंगी जिनके द्वारा बहुत से विशिष्टों ने अपनी कॉलिंग खोई है, और कुछ ऐसी छोटी छोटी जो इंसान सोचता है कि भाई ये तो बड़े बड़े काम है तो हम कर लेंगे, लेकिन इंसान ने छोटी छोटी बातों में ऐसी चूक कर दी कि उन किसी की कॉलिंग खो गई, किसी को जान से हाथ धोना पड़ा, किसी को परमेश्वर किसी को छोड़कर चला गया, खुदा किसी से दूर हो गया, किसी की ज़िंदगी में ऐसी बातें हो गई कि उसने कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं था कि मैं तो एक आराधक था, मैं तो एक वर्शिपर था, लेकिन मेरे साथ ऐसा सब क्यों हुआ। लेकिन जब कहते हैं ना कि बाद में पछताने से क्या फ़ायदा, जब चिड़िया चुग गई खेत। देखो, परमेश्वर कोई भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन जब जब खुदा के लोग गिरे हैं ना, जब जब उन्होंने पश्चाताप किया है तो खुदा ने उनको उठाया भी है। लेकिन बात सारी ये है कि अपना जो इंसान पहली क्लास पढ़ के दूसरी क्लास में जाता है, दूसरी से तीसरी, तीसरी से दसवीं, धीरे धीरे करके आगे बढ़ता जाता है, लेकिन जब वो ऊपर से गिरता है ना, तो शुरुआत से अगर दोबारा से पहली क्लास पढ़े ना, तो उसमें समय बर्बाद होता है, टाइम बर्बाद होता है, एनर्जी बर्बाद होती है, और फिर लोगों के सामने हम किसी के जाने और अनजाने में ठोकर का कारण भी ना बने। इसलिए हमें इन बातों को खासकर ध्यान रखना है। बात सुनने में चाहे छोटी लग सकती है, चाहे चोट लग सकती है सुनने में, लेकिन ये बातें अगर हमने ध्यान से सुन ली तो हमसे शायद हो सके परमेश्वर का आत्मा हमें करेक्ट करे इन बातों को लेकर, ताकि हम ऐसी गलतियां ना करें। क्योंकि जब इंसान ऊपर चढ़ता है तो अच्छा लगता है, लेकिन जब बहुत ऊंचाई से नीचे गिरता है ना, तो बहुत ज्यादा खतरनाक चोट लगती है, समझना। अगर इंसान का लेवल बड़ा ही नहीं है, अगर वो गिर जाए तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब वो बहुत ऊंचाई पर जाता है या जाने को होता है, तब ऊंचाई से जब शैतान उसकी टांग खींचता है गलती करने के कारण, तो उसको बहुत इस बात का दुख होता है कि हाय, मैंने ऐसी गलती क्यों कर दी। तो इसलिए इन बातों को ध्यान रखना जरूरी है। सारी बातें नहीं बताई जाएंगी, लेकिन वरन कुछ कुछ बातें बताई जाएंगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा टॉपिक भी है ये। जो एक बात कहना चाहता हूँ, हमने बहुत सारी बहुत बड़ी बड़ी गवाहियां भी सुनी हैं, बहुत कुछ ऐसी बातें सुनी जहाँ पर करेक्शन की जरूरत है, लेकिन हमारी कोई औकात नहीं है कि किसी पर दोष लगाए। लेकिन वचन हमें क्या सिखाता है? सिर्फ वचन की बातें आप सभी को बताई जाएंगी। यहाँ पर कोई किसी को दोष नहीं लगा रहा है, लेकिन वचन सामने पेश किया जा रहा है। अगर वचन हमसे बात कर रहा है तो हमें करेक्शन की जरूरत है, ध्यान रखना। इससे पहले कि शतन को मौका मिले, इससे पहले कि कोई नुकसान हो, इससे पहले कि कोई हमारा पद ऊंचा नीचा हो या गिराया जाए या हटाया जाए या हमारी अभिषेक, हमारी अनॉइंटिंग हो या फिर कुछ भी, किसी प्रकार की कोई नुकसान वाली बात हो, तो प्लीज़ उससे पहले माफ़ी मांगकर हमें आगे बढ़ना है। हालांकि परमेश्वर हमें क्षमा करता है, लेकिन सब कुछ खोने के बाद अगर माफ़ी मांग रहे हैं और परमेश्वर ने फिर हमें क्षमा कर दिया, लेकिन फिर भी जो पाया है उसमें तो समय, अपना टाइम और एनर्जी तो लगाया ना, मेहनत करी ना। क्योंकि लिखा है, अब तुम्हारी कमरें बंधी रहें और तुम्हारे दिए जले रहें। कमर क्या है? हमारी बुद्धि, हमारे विचार, हमारे मन। हमारे मन में कोई शैतान कड़वे बीज ना बोने पाए, इसलिए वो हमेशा सत्य से बंधी रहे। सत्य पर मानना, सत्य को सुनना, सत्य के अनुसार चलना और सत्य पर सदा भरोसा रखना और सत्य की ही अगुवाई में चलना। सत्य क्या है? यीशु। यीशु क्या है? आत्मा। आत्मा क्या है? परमेश्वर। आत्मा परमेश्वर है, वचन परमेश्वर है, और वचन आत्मा भी है और जीवन भी है।
तो देखो बात सारी ये है कि वचन कहता है कि हमारी कमरें बंधी रहें। अब कमर बंधी रहने का मतलब ये है कि जैसे अब जो वचन हमने सीखा है उस वचन के अनुसार हमें चलना है, सत्य के अनुसार चलना है। और जब तक हमारे दिए नहीं जलेंगे तब तक हमें क्रिश्चियन नहीं कहलाए जा सकते। चाहे भले हम गले में लॉकेट पहन लें, चार लोग जो नहीं जानते उनको लग सकता है कि हम क्रिश्चियन हैं, लेकिन अगर सच्चा मसीह खुदा का आत्मा अगर अपने चश्मे से देखेगा तो उनको पता चलेगा कि ये तो खोखला बंदा है। कहते हैं ना कि बाहर से चूना फिरी कब्र है लेकिन जब कब्र के अंदर तो बदबू आ रही है। बाहर से तो हम इतना लिपापोती कर लेते हैं, हाँ भाई बढ़िया से बढ़िया सूट वूट पहन लिया, बढ़िया सा लॉकेट डाल लिया गले के अंदर, लेकिन हमारे काम बहुत गंदे हैं, बहुत बुरे हैं, जिनसे परमेश्वर को घृणा आती है, तो उसे क्रिश्चियन नहीं कहते हैं। अब देखो दिया जलने के लिए परमेश्वर का आत्मा कहता है कि तुम्हारे दिए जले रहे। दिया क्या है? दिए के अंदर तेल की जरूरत है, और तेल, तेल का मतलब क्या है? तेल अभिषेक को दिखाता है। और अभिषेक कैसे मिलता है? अभिषेक ऐसे ही नहीं मिलता है किसी को भी झटपट झट मंगनी पट ब्या कि ऐसे नहीं मिलेगा अभिषेक। अभिषेक के लिए क्रूस उठाना पड़ता है, मरना पड़ता है। किसके लिए? अभिषेक के लिए, अपनी अभिलाषाओं को, अभिषेक को पाने के लिए अपनी अभिलाषाओं के लिए हमें मरना पड़ता है। जब जब एक व्यक्ति अपनी अभिलाषाओं के लिए मरता है तब तक उसको अभिषेक मिलता है, तब तक उसका आत्मिक उन्नति होती है, तब तक वो आत्मिक स्तर में बढ़ता है, उसकी आत्मा का विकास होता है। अपने लिए मरने का मतलब है जैसे मान लो किसी प्रकार का शादी पार्टी ब्याह या कोई भी गलत गंदे काम व्यभिचार या कोई भी ऐसी बुरी संगति में इंसान जाता है, लेकिन जब उसने जाना छोड़ दिया तो उसका मतलब वो अपने लिए मर रहा है। तो वो बुराइयों में लिप्त नहीं हो रहा है वरन बुराइयों के लिए मर रहा है कि भाई अब से मैं बुराई नहीं करूंगा, मैं झूठ बोलने के लिए मर चुका हूँ, मैं गाली गलौज करने के लिए मर चुका हूँ, मैं गलतमंदी फोटोज वीडियोज एल्बम देखने के लिए मर चुका हूँ, मैं संसार में समय बिताने के लिए मर चुका हूँ, वरन मैं अब खुदा के लिए जीऊंगा, खुदा के लिए बोलूंगा, खुदा के लिए जुबान को इस्तेमाल करूंगा, खुदा के लिए जीवन को अब मैं खुदा के लिए पूरी तरीके से समर्पित करूंगा। इसे कहते हैं अपने लिए मरना, खुदा के लिए जीना। जब जब हम खुदा के लिए जीते हैं, क्योंकि लिखा है जब तक गेहूं का दाना भूमि में पिसकर मर नहीं जाता तब तक वो अकेला रहता है, लेकिन जब वो मर जाता है तो बहुत फल फलता है। अब भूमि के अंदर जो गेहूं का दाना डाला गया है, मतलब गेहूं का दाना किसको दिखाता है? एक मनुष्य के जीवन को दिखाता है, एक विश्वासी के जीवन को दिखाता है। वो उसने उसको मतलब खाद में डाल तो दिया है और भूमि में डाल तो दिया है, लेकिन जब तक वो फटकर मरेगा नहीं, कहने का मतलब जब तक एक विश्वासी अपनी अभिलाषाओं में अपनी अभिलाषाओं को नहीं छोड़ेगा, जब तक अपनी अभिलाषाओं के लिए नहीं मरेगा, जब तक अपने आप को क्रूस पर नहीं चढ़ाएगा अपनी अभिलाषाओं के लिए, ये हकीकत वाली बात नहीं हो रही है कि अपने आप को सच में कीलों पर ठोक लो, काट पर ठोक लो, नहीं, ये एक आत्मिक बात भी है, समझना, ये आत्मिक बात है। इसमें शारीरिक रूप में जो हमारी अभिलाषा है उनको छोड़ते हुए हमें आत्मिक उन्नति करते हुए खुदा के कामों को करना है। जैसे मान लो मैं शराब पीता हूँ, है ना, ये मेरी अभिलाषा है, मैंने यीशु के नाम पर विश्वास कर लिया और मैं चाहता हूँ मुझे अभिषेक मिले, मैं आत्मिक उन्नति करूँ, मैं समर्थ पाऊँ, मैं ताकत पाऊँ, मैं बड़े बड़े प्रचार करूँ, बड़े बड़े चमत्कार करूँ, तो उसके लिए मुझे अभिषेक चाहिए। अब अभिषेक को पाने के लिए मुझे अपने लिए मरना पड़ेगा, मुझे अपनी अभिलाषाओं को छोड़ना पड़ेगा। अभिलाषा क्या है? मेरी शराब। जब तक मैं शराब को नहीं छोड़ूंगा जब तक मैं अपने लिए नहीं मर सकता, क्योंकि लिखा जब तक गेहूं का दाना भूमि में पिसकर मर नहीं जाता तब तक वो अकेला रहता है, लेकिन जब वो मर जाता है तो बहुत फल लाता है। अब मुझे फलवंत होने के लिए, मुझे दूसरों के लिए आशीष और उद्धार का कारण बनने के लिए मुझे मरना पड़ेगा। ये जहर खाने वाली बात नहीं हो रही है, समझना इस बात को, ये जहर खाना, फांसी से लटकना, छस्से कूदने वाली बात नहीं हो रही है। ये मरने का मतलब है अपनी अभिलाषाओं को छोड़ देना, अपनी अभिलाषाओं से दूर होना कि भाई आज से मैं दारू नहीं पीऊंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, चुगली नहीं करूंगा, दोस्त नहीं लगाऊंगा, गलत फोटोज वीडियोज एल्बम्स वगैरह नहीं देखूंगा, माता पिता का आदर मान करूंगा और अनाज्ञाकारिता नहीं करूंगा, मैं गलत बातों के लिए हमेशा मरूंगा, वरन अच्छी बातों के लिए हमेशा खुदा के काम को करने के लिए मैं सदा जीता रहूंगा, करता रहूंगा, मेरे जीवन से खुदा को महिमा मिले। तो जब जब मैं खुदा के कामों के लिए जीऊंगा और अपने अभिलाषाओं के लिए, शराब के लिए हमेशा मरूंगा, शराब की संगति छोड़ूंगा, शराब को नहीं पीऊंगा, तो इसे कहते हैं अपना क्रूस उठाना, खुदा के पीछे चलना। अगर मैं अब ऐसा करूंगा तो मुझे अभिषेक मिलेगा, और अभिषेक क्या है? तेल। उस तेल के द्वारा दिया जलेगा। जब तक तेल नहीं होगा तब तक उजाला नहीं हो सकता है। तेल होना जरूरी है, ध्यान रखना। तेल नहीं है अगर दीपक के अंदर, वो दिए के अंदर तेल नहीं है तो वो दिया नहीं जल सकता, ध्यान रखना। हम दश कुमारियों के दृष्टांत से पढ़ सकते हैं। तो बात सारी ये है कि हमें ये जानना है कि खुदा आज क्या चाहता है। आज आराधकों से खुदावन एक बहुत बड़ी एक ऐसी, आज खुदावन आराधकों से क्या चाहता है, हर एक विश्वासी से क्या चाहता है। देखो विश्वासी, परमेश्वर सबसे पहले हर एक विश्वासी के अंदर किसको देखता है? परमेश्वर सबसे पहले हर एक विश्वासी के अंदर अपने एक पुत्र को देखता है। किसको? यीशु को देखता है, ताकि सभी के पाप, ताकि उस विश्वासी के पाप क्षमा किए जाएं। फिर उसके बाद अपने एक आराधक को ढूंढता है कि क्या तू मेरी आराधना करेगा, क्या तू मेरा सच्चा आराधक बनेगा, या फिर तू शैतान की आराधना करेगा, शैतान के गानों पर नाचेगा, या फिर शैतान के गाने लगाएगा, या फिर शैतान के गानों में मगन होगा।
मेरे बेटे मेरी बेटी, क्या तू मेरी आराधना करेगा या शैतान की आराधना करेगा, क्या तू मेरे काम में अपना हाथ बटाएगा या शैतान के कामों में हाथ बटाएगा। प्रभु दो चीज़ देखता, सबसे पहला अपने पुत्र को देखता हम विश्वासियों के अंदर, दूसरा हमारे अंदर एक आराधक को ढूंढता है, लेकिन हम आराधक नहीं बन पाते हैं। क्यों नहीं बन पाते? क्योंकि शैतान के कड़वे बीज जो हमारे अंदर बोए गए थे ना, वो फलवंत हो रहे थे। कैसे? हमने जो टीवी सीरियल्स वीडियोस मूवीज एल्बम्स सेक्सुअलिटी और फालतू की हंसी ठट्ठे वाले काम, हंसी ठट्ठे वाले जोक्स मैसेजेस देखना सुनना सुनाना शेयर करना, उनसे पूछताछी करना, देख देख कर छुप कर देखना छुप कर, मतलब ऐसे ऐसे काम करना, ऐसी संगति में जाना, ये सब चीज़ शैतानी कड़वे बीज हैं, जिसके कारण हम खुदा के वचन रूपी बीज को अपने हृदय में जगह नहीं दे सकते। और एक एक कुर्सी पर एक ही व्यक्ति बैठ सकता है, हमारे मन की कुर्सी पर कौन सा बीज है, कौन सा शैतान है, कौन सी अभिलाषा है। अगर हम कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे हृदय में बैठे, भाई प्रभु यीशु मसीह मेरे मन की कुर्सी पर बैठे, मैं तो प्रेम करता, मैं क्षमा करता, मैं दया करता, मेरे अंदर तो कोई अभिलाषा नहीं है, लेकिन प्रभु का वचन तो कहता है देख मैं तो तेरे द्वार के बाहर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। प्रभु आज कहता है हमसे, मैं तो तेरे द्वार के बाहर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, तुम आराधना प्रार्थना करते हो, हाथों को उठाते हो, मुंह से तुम मेरा आदर करते हो, लेकिन तुम्हारा मन मुझसे लगा नहीं है, तुम्हारे मन में कुछ और है, मन में असाध्य रोग लगा है। जैसे तुम मन में सोचते हो वैसे तुम हो। अब सोचो हम कैसी कैसी बातों को मन में सोचते हैं, किसी का नुकसान करना, किसी से विरोध करना, किसी के बारे में विचार कर लेना, किसी के बारे में गलत सोचना, किसी को धोखा देने वाली बातें सोचना। हमें इस चीज़ को देखकर, ये तो देखो एक आत्मिक बात भी, लेकिन इसी से रिलेटेड प्रभु एक बात कहना चाहता है। कल मैं वचन पढ़ रहा था, पहला इतिहास 25 अध्याय और उसका 6 आयत में अगर हम देखें, 3 आयत से लिखा है, फिर युदतून के पुत्रों में से गलिया सारी यशाया शिमा और हबज हब्यास हसब्या और भी कई लोग हैं, मतलब ये वो थे जो परमेश्वर की स्तुति और आराधना करते थे। लिखा है जो यहोवा का धन्यवाद और स्तुति करके नबुवत करता था, वीणा बजाते थे। अब अगर हम आगे पढ़े 6 आयत में, ये सब यहोवा के भवन में गाने के लिए अपने अपने पिता के अधीन रहकर, यह बहुत खतरनाक बात है, चोट लगेगी, ध्यान से समझना। साफ लिखा है कि ये सब लोग, ये कौन है, ये आराधक लोग हैं, ये परमेश्वर के आराधक है। देखो परमेश्वर के आराधकों को कैसा होना चाहिए, यहाँ पर एक छोटी सी क्वालिटी बताई गई है, अभी बहुत सारी बातें नहीं बताई, यहाँ पर सिर्फ एक ही बात बताई है, अभी समय थोड़ा पड़ सकता है, लेकिन जो गहराई है, जो वचन की बातें हैं, उनको लेकर खुदा का आत्मा कभी रुक नहीं सकता, क्योंकि खुदा चाहता है कि मेरे बच्चे पूरी तरीके से सीखें। लेकिन इन बातों को समझना में जरूरी है, सिर्फ कुछ कुछ पॉइंट्स बताए जाएंगे, सारी बातें नहीं बताई जाएंगी। लिखा है ये सब यहोवा के भवन में गाने के लिए अपने अपने पिता के अधीन रहकर परमेश्वर के भवन की सेवा में झांझ सारंगी और वीणा बजाते थे। मेरे भाई और बहनों, प्रभु ने यहाँ पर एक बात बोली है, ये सब मतलब कौन इस, अब इन सबों की जगह ना हमें अपने आप को रखना है। अगर हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, जब भी हम प्रार्थना करते हैं, चाहे हम चर्च में आराधना कर रहे हैं, चाहे घर पे आराधना कर रहे हैं, चाहे अपनी पर्सनल मीटिंग्स में आराधना कर रहे हैं, या हम खुद आराधना कर रहे हैं, चाहे मैं आराधना कर रहा हूँ, हमें इन सब चीज़ों को देख कर जाँचना, टेस्ट करना है, परखना है कि क्या ऐसी गलती मेरे अंदर तो नहीं है, क्या ऐसी खूबी मेरे अंदर है। जिस खूबी को खुदा एक आराधक के अंदर खोजता है, जो क्वालिटी खुदावन एक आराधक के अंदर चाहता है, क्या वो क्वालिटी मेरे अंदर है या नहीं। तो यहाँ पर लिखा है ये सब यहोवा के भवन में गाने के लिए अपने अपने पिता के अधीन रहकर परमेश्वर के भवन की सेवा में, मतलब सारंगी और वीणा बजाते थे। मतलब प्रभु ने यहाँ पर एक बात कही है, ये सब वो लोग हैं जो अपने अपने माता पिता के अधीन रहकर, फिर से कहना चाहता हूँ, अपने अपने माता पिता के अधीन रहकर। देखो सबसे पहले तो हमारा परमेश्वर है पिता, उसके बाद हमारे दुनियावी माँ बाप आते हैं, है ना, क्योंकि वचन में साफ लिखा है तुझे दूध पिलाने वाली माँ भी तुझे छोड़ देगी, लेकिन मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। जो कभी नहीं छोड़ने वाला वो हमारा बाप, हमारा परमेश्वर यीशु मसीह है। लेकिन उसके बाद अगर दूसरे नंबर पे बात करें, दूसरा रिश्ता तो पति पत्नी का आता है, लेकिन सिर्फ एक समझाने के तौर पर आपको बताया जा रहा है। अगर हम माता पिता की लेकर बात चलें, तो यहाँ पर प्रभु का आत्मा कहता है, वचन में लिखा है कि ये सब लोग परमेश्वर के भवन में सेवा करने के लिए अपने पिता के अधीन रहते थे। आज एक आराधक, आराधक मतलब हर एक विश्वासी, हर एक प्रभु पर भरोसा रखने वाला व्यक्ति, जिसके अंदर खुदा एक आराधक को खोजना चाहता है, जिसके अंदर आराधक को, जिस विश्वासी के अंदर खुदा एक आराधक को देखना चाहता है, आराधना सुनना चाहता है, आराधना करवाना चाहता है और अपनी आराधना अपनी महिमा उसके द्वारा लेना चाहता है। लेकिन वो विश्वासी जिसके अंदर एक आराधक का एक छोटा सा कण था, जिसके अंदर एक आराधक का, आराधक होने का छोटा सा कण था, वो कण भी एक विश्वासी अपने अंदर से निकाल देता है, उस बीज को भी अंदर से निकाल देता है। कैसे? जब एक विश्वासी अपने आत्मिक माता पिता और अपने शारीरिक माता पिता और अपने परमेश्वर यहोवा के अधीन नहीं रहता ना, तब ऐसा होता है।
आज हम दुनिया में आराधनाएं गा रहे हैं लेकिन अपने बाप को कूड़ा समझ रहे हैं। आज हम दुनिया में आराधनाएं प्रार्थनाएं कर रहे हैं, आज हम घर बैठे आराधनाएं कर रहे हैं, चर्चेस में आराधनाएं कर रहे हैं, घर पर आराधनाएं कर रहे हैं। अपनी प्रार्थना शुरू होने से पहले चाहे छोटी सी आराधना करते हैं, क्या हमारे बाप के हम अधीन है? क्या हमारा बाप हमसे खुश है? क्या हमने बाप के विरोध में पाप तो नहीं किया? क्या हमें ढंग है अपने बाप से बात करने की, अपने परमेश्वर से बात करने का ढंग है, या फिर हमें अपने माँ बाप से बात करने का ढंग है, या हमें अपने अपने दुनियावी माता पिता से बात करने का ढंग है, या हम फिर हमें अपने आत्मिक माता पिता से बात करने का ढंग है? अगर हम अपने आत्मिक माता पिता को इज्जत दे रहे लेकिन दुनियावी माँ को लात मार रहे हैं, उनकी सुन नहीं रहे हैं, उनको मूर्ख बनाते हैं, उनको उनका मजाक उड़ाते हैं, उनके साथ ठट्ठा व्यवहार करते हैं, गलत निकम्मा और मूर्ख जानते हैं उनको, तो वचन में लिखा है जिसे तुम देखते हो अगर तुम उससे प्रेम नहीं करते तो जिस परमेश्वर को तुमने अभी देखा ही नहीं है तो उससे क्या आराधक, एक विश्वासी क्यों चूक जाता है? समझना, ये आराधक मतलब जब आराधक कहा जा रहा है तो हर एक विश्वासी के बारे में बात हो रही है, क्योंकि हम क्योंकि हमारा परमेश्वर हम सब विश्वासियों के अंदर अपने एक आराधक को ढूंढ रहा है। जैसे कि परमेश्वर ने कहा था कि मुझे मेरे मन भाव व्यक्ति मिल गया है दाऊद, क्योंकि दाऊद परमेश्वर का सच्चा आराधक रहा था। ध्यान से समझना इस बात को। और परमेश्वर को हमसे क्या चाहिए? वो हमसे सच्ची आराधना चाहता है ताकि जब हम उसकी आराधना करें तो वो स्वयं उतर कर आए धरती पर, उसका अभिषेक, उसका आत्मा, उसका रूह हमारे आसपास मंडलाए, उसका बादल मंडलाए, ताकि जो लोग हमारी आराधनाएं सुन रहे हैं, जिसके कानों में आराधनाएं पड़ रही हैं, वो लोग दुष्ट आत्माओं से आजाद हो, बीमारियों से आजाद हो, छुटकारे हो, चमत्कार हो, आशीषित हो, ब्लेस हो, उनके श्राप आशीष में बदले, उनके आंसू आनंद में बदले, उनके परेशानियों का हल निकलने पाए। कैसे? जब परमेश्वर का रूह हमारे बीच में आएगा। रूह कैसे आएगा? जब सच्चे सच्चाई से आराधना की जाएगी। कैसे सच्चाई? जैसे कि अभी बताया, एक शॉर्ट टॉपिक, लेकिन एक बात और कहना चाहता हूँ। देखो, कोई भी परफेक्ट नहीं है। अगर इस पल तक भी मुझसे, हमसे, किसी से कोई भी गलतियाँ हुई ना, देखो मैं फिर से कहता हूँ, हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है। मैं आज भी गिरा, मैं कल भी गिरा, मुझसे भी गलतियाँ, मैंने गुस्से में बहुत सी ऐसी गलतियाँ की हैं, अनजाने में की हैं, जानबूझ कर की हैं, कई बार सहन नहीं हुई हैं, लेकिन प्रभु से जब क्षमा मांगी तो प्रभु ने क्षमा किया है। क्यों? क्योंकि माफ़ी मांगने की इच्छा रखनी है, क्योंकि लिखा है यदि तू अपने अपराधों को मान लेगा तो ही हमारा परमेश्वर हमें क्षमा करेगा। ये मत सोचना कि मैं परफेक्ट हूँ, मैं भी गिरा अपनी ज़िंदगी में, मेरे से भी बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ हुई, बहुत बड़े बड़े पाप हुए, जो जिसकी मजदूरी मृत्यु और नरक की आग है, लेकिन खुदा बाप हमें क्षमा करता है। हमारा बाप है, वो बहुत भोला और दयावान है, वो दया का सागर है। हम जिस नज़र से उस खुदा बाप को देखते हैं ना, उस नज़र से वो हम पर अनुग्रह करता है। अगर हम उस परमेश्वर के अंदर एक दया के सागर पिता को देखेंगे ना, तो सच में वो दया की सागर, उसके अंदर हम डूब जाएंगे, वो हमें क्षमा करेगा। अगर हम उस आशीष देने वाले परमेश्वर को देखेंगे तो सच में वो हमें आशीषित करेगा। अगर हम उस प्रेम करने वाले परमेश्वर को देखेंगे तो सच में वो प्रेम करेगा। अगर हम उस योद्धा, जो युद्ध करने वाला परमेश्वर है, उस युद्ध करने वाले परमेश्वर को देखेंगे ना, उससे प्रार्थना करेंगे, तो वो हमारी ओर से युद्ध करेगा, शैतान के जबड़े को तोड़ेगा। वो सच्चा परमेश्वर है, जिस नज़र से हम उसको पुकारेंगे वो सुनता है। लेकिन बात सारी ये है कि जिस नज़र से हम उसको पुकार रहे हैं, क्या सच्चाई से और हृदय की सच्चाई से, नम्रता से और अपने पश्चातापी हृदय के साथ, क्या हम उसके निकट आकर, क्या हम अपने आप को नम्र और दीन बनाते हैं, क्या क्षमा मांगकर, क्या उसके अनुसार चलने के लिए फिर से कहते हैं या नहीं, या फिर हम अपने ढिठाई में चलते हैं, अरे मैंने तो कोई गलती की नहीं, मैंने तो कोई पाप नहीं किया, मैंने कौन सी गलती कर दी, मैं तो करता ही नहीं, मैं थोड़ी ना गलत था, वो गलत थी, वो गलत था, पापा ने कर दिया, मम्मी ने कर दिया, हमारे अगुओं ने कर दिया, मेरे आत्मिक माता पिता ने कर दिया। लेकिन जहाँ कहते हैं ना कि जो अकड़ते हैं वो उखाड़े जाते हैं, काटे जाते हैं, अकड़े हुए पेड़ काटे जाते हैं, उखाड़े जाते हैं, उखड़ जाते हैं, लेकिन जो नम्र और दीन है उसकी देख रेख की जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें फल आता है, क्योंकि वो झुकना जानते हैं, फलों से लदा हुआ पेड़ झुकना जानता है, इसीलिए जो झुकता है उसमें जान होती है, अकड़ मुर्दे की पहचान होती है। और प्रभु हमेशा झुका है, और उसने झुकना सिखाया है और झुककर दिखाया है, और यही प्रभु चाहता है। कोई बात नहीं मेरे बेटे, गलतियों की मुझे पता है, इस संसार में रहकर तुमसे गलतियां होती हैं, लेकिन यदि तू अपनी गलतियों को मान ले और छोड़ दे तो तुझ पर दया की जाएगी। मैं जानता हूँ अगर तू अपना हृदय पश्चाताप ही रखे, तू बदलना चाहता है लेकिन तू फिर भी गिर रहा था, लेकिन कोई नहीं, तू बदलना तो चाहता है ना, इच्छा रखता है ना, तुझे तेरी आंखों में आंसू आते हैं ना, तू दिल से पश्चाताप करता है ना, मैं तुझे क्षमा करूंगा, क्योंकि मेरा फर्ज है तुझे क्षमा करना, क्योंकि तू मेरा बेटा है। क्यों? क्योंकि तू क्षमा मांग रहा है, इसलिए मेरा फर्ज है कि मैं तुझे क्षमा करूं, क्योंकि तूने अपने हिस्से का काम किया है, तो मैं अपने हिस्से का काम क्यों ना करूं। मैं अपने वचन से बना हुआ हूँ, क्योंकि मैंने कहा है जब तू मेरे से क्षमा मांगेगा तो मैं तुझे दूंगा। लेकिन लिखा है जानबूझकर पाप करने वाले के लिए फिर कोई और बलिदान बाकी नहीं है। हमें जानबूझकर भी ऐसी गलती नहीं करनी। मैं कह रहा हूँ इस पल तक भी हो गई, मैं कह रहा हूँ मुझसे कल भी हुई थी गलती, जैसी मैंने प्रभु से सॉरी बोला, प्रभु ने मुझे क्षमा किया, दया किया, अनुग्रह किया, मेरा बाप मुझे माफ करता है। आज भी मुझसे गलती हुई, मुझसे रोज गलतियाँ होती थी, कोई ऐसा दिन नहीं जिस दिन मुझसे गलती ना हो,
छोटी छोटी गलती में, छोटी छोटी बातों में, बड़े बड़े कामों में कौन नहीं चूकता? मैं चूकता हूँ, मैं दूसरे के बारे में क्यों बोलूँ? मैं चूका, मुझसे गलतियाँ हुई, लेकिन मेरा बाप मुझे माफ़ करता है, क्योंकि मैं बदलने की इच्छा रखता हूँ, मैं क्षमा मांगता हूँ, मेरा प्रभु मुझे क्षमा करता है। और वो फिर से चाहता है कि मेरे बच्चे के अंदर वो आराधक, वो एक सच्चा आराधक दिखाई दे, वो आराधक का आत्मा दिखाई दे। तो हमें आज इन चीज़ों को जानते हुए आगे बढ़ना, लिखा है कि परमेश्वर का तेज, दूसरा इतिहास अगर हम पढ़े पांचवा अध्याय, परमेश्वर का तेज, जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, एक बहुत खतरनाक, आपको एक डिवाइन, एक बहुत बढ़िया, बहुत सामर्थ्य एक प्रकाशन आपको मिलने जा रहा है, इसको अपने लिए ग्रहण करना। अगर कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं, प्रार्थना समझ नहीं आ रही, प्रार्थना नहीं कर पा रहा, वचन नहीं पढ़ पा रहा, प्रभु के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, घर की ये समस्या, बाहर की वो समस्या, चर्च की ये समस्या, वो समस्या, सो मुँह सो बातें, आप चाहे डूबे हुए थे समस्या में, लेकिन कुछ भी समझ नहीं आ रहा ना, अब आपको सिर्फ एक ये काम करना जरूरी है। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा ना, तो सिर्फ ये काम जरूर करना, चाहे आप अनपढ़ हो, चाहे आप गवार हो, चाहे आप कितने भी पढ़े लिखे हो, अगर आपने ये काम कर लिया तो ध्यान रखना, उन समस्याओं से छुटकारा पाने में आपको समय नहीं लगेगा, क्योंकि वचन परमेश्वर का सत्य है और परमेश्वर अपने वचन से बना हुआ है। जब आप अपने हिस्से का काम करोगे, अपने हिस्से की ताली मारोगे, तो खुदा अपने हिस्से की ताली मारेगा। अब वो बात क्या है, क्या करना, देखो लिखा है, जब याजक पवित्र स्थान से निकलकर, जितने याजक उपस्थित थे उन सबों ने अपने अपने आप को पवित्र किया था। मतलब पवित्र स्थान, मतलब परमेश्वर की जब उपस्थिति में आओ कभी भी, तो सबसे पहले अपने आप को पवित्र करो, अपनी गलती पाप गुना अपराधों की क्षमा मांगो, जो इस पल तक भी हो गए, जब आप प्रार्थना में बैठते हो उस पल तक भी जो भी गलती पाप गुना अपराधों के, जाने और अनजाने में, जान पूछ कर जो आप नहीं करना चाहते थे वो हो गया, क्षमा मांगो, यीशु के लहू को अपने ऊपर लो और अपनी गलती पाप गुना अपराधों को क्रूस पर डालो, बोलो मैं प्रभु अपनी गलती पाप गुना अपराधों को आपके क्रूस पर डालता हूँ और आपके लहू की क्षमा को मैं अपने ऊपर लेता हूँ, अपने मुझे क्षमा के मैं आपको धन्यवाद देता हूँ आपके लहू के लिए, ठीक है। जैसे आप क्षमा मांगते हो, तो इसका मतलब है आप पवित्र हो गए, क्योंकि लहू से आप धुल गए और लहू से आपको धुलना जरूरी है। लिखा है, और अलग अलग दलों में होकर सेवा ना करते थे। मतलब प्रभु का वचन कह रहा है कि जो भी ये लोग हैं, अगर हम एक आराधक हैं, अगर हम चर्च के लीडर हैं, वर्शिपर्स हैं, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। प्रभु यहाँ पर कह रहा है कि जो परमेश्वर के लोग थे, जिन्होंने अपने आप को पवित्र तो किया, लेकिन उसके बाद भी उनके मन में कड़वाहट नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर वचन में साफ लिखा है कि उन सबों ने अपने अपने आप को पवित्र किया था और अलग अलग दलों में वो सेवा नहीं करते थे, वरन एक मन एक आत्मा होकर सेवा करते थे, एक ही दल में सेवा करते थे। वो ये नहीं कहते थे मैं यहाँ वर्शिप करूँ, मैं यहाँ आराधना करूँ, मैं यहाँ प्रार्थना करूँ, मेरी आराधना ऐसी, मेरी प्रार्थना ऐसी है, तुमसे मैं बात नहीं कर रहा, अरे तुम जाओ ये करो वो करो। मतलब कड़वाहट, नामाफी की बातें, ढा जलन, ऐसी ऐसी बातें अगर मन में रखी जाए, भले हमने अपने आप को पवित्र कर लिया, लेकिन परमेश्वर हमारी आराधना को ग्रहण नहीं कर सकता, ये वचन बता रहा है। वो आराधना को ग्रहण कैसे करेगा, जब हमारे अंदर मेल मिलाप आएगा, क्योंकि लिखा है जा पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर, उसके मन में जो तेरे प्रति कड़वाहट है, बैर है, उसको निकाल, तब आकर अपनी भेंट चढ़ाना। हमारी भेंट क्या है, हमारी आराधना प्रार्थना धन्यवाद हमारी भेंट है, जिसको परमेश्वर ग्रहण करेगा। जब भेंट ग्रहण करेगा तभी तो आशीष आएगी, जब बीज बोया जाएगा खेत में तभी तो फसल मिलेगी। तो यही तरीका है, प्रभु कहता है जा पहले मेल मिलाप कर, तब आकर अपनी भेंट चढ़ाना, तब मैं तुझे प्रतिफल दूंगा, तब मैं तेरी प्रार्थना सुनूंगा, तब मैं तेरी भेंट स्वीकार करूंगा। तो लिखा है, और जितने लेवी याजक थे वे सब के सब, अर्थात पुत्रों और भाइयों समेत आसाफ, मतलब कई नाम लिए गए हैं यहाँ पर लिखा है, ये सब उनके साथ 120 याजक तुरियां बजाते थे। यहाँ पर सिर्फ याजक की बात हो रही है, सारे के सारे याजक, और हम सब भी याजकों का समाज है। ध्यान रखना, जब जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, अब्राहम की संतान कहलाए जाते हैं, और प्रभु का वचन हमें एक याजक भी बनाता है। ध्यान रखना, लिखा है, और जब तुरियां बजाने वाले गाने वाले एक स्वर से यहोवा की स्तुति और धन्यवाद करने लगे। बहुत खतरनाक वचन है, लिखा है कि जब तुरियां बजाने वाले और गाने वाले एक स्वर से यहोवा की स्तुति करने लगे, बजाने वाले गाने वाले, यहाँ पर प्रभु, ये बहुत गहरी बात है। कई बार है ना, मैं किसी पर दोष नहीं लगा रहा, कई बार हम वर्शिपर्स लोग हैं ना, इसी काम में चूक जाते हैं, जिसके कारण ठंडा गुनगुनापन रहता है, जिसके कारण जो लोग नए नए आते हैं चर्चेस में, कलीसिया में, जो जुड़ते हैं, उनके बंधन ना टूटने के कारण, उनके छुटकारे ना होने के कारण, वो खुदा से दूर हो जाते हैं। वो तो सोचते हैं अरे हमने तो प्रार्थना भी कराई, हमने तो विश्वास भी किया, हमने तो मूर्ति पूजा भी जोड़ दी, लेकिन फिर भी चमत्कार नहीं हुआ, हमारे जीवन में काम क्यों नहीं हुआ, पता नहीं क्यों नहीं हुआ। लेकिन उसका एक बहुत बड़ा कारण यह भी है कि एक सामने वाले व्यक्ति के छुटकारे क्यों नहीं हुए, हमारे अंदर हमारे मेल मिलाप ना रखने के कारण, हमने अपने आप को पवित्र ना रखने के कारण, और हमने जो अपने मन में किसी प्रकार की कोई कड़वाहट बैर रखा, और फिर उसके बाद हम आराधना कर रहे हैं, अपने पिता के अधीनता में ना रहने के कारण, अपने शारीरिक और आत्मिक माता पिता हमारे परमेश्वर के अधीन ना रहने के कारण, वो अभिषेक नहीं उतरा, परमेश्वर का आत्मा नहीं उतरा। हमने मुंह से तो उसका आदर कर दिया, लेकिन हमारा मन उससे लगा नहीं है। ध्यान रखना, लिखा है कि
और जब तुरियां बजाने वाले और गाने वाले एक स्वर से, ये बहुत खतरनाक वचन है, एक स्वर से, मतलब एक मन एक आत्मा होकर बजाने वाले सब एक लय में हैं, गाने वाले सब एक लय में हैं, और तुरियां बजा रहे जो वो सब एक ही लय में बजा रहे हैं, तालियां सब एक ही लय में बज रही हैं, और झांझ एक ही लय में बज रही हैं, और तासे ढबले ढोलक सब एक ही लय में बज रहे हैं, कोई आगे पीछे नहीं है, हल्का फुल्का भी ताली सबकी एक ही लय में बज रही है। ये नहीं कि एक ताली हमारी दूसरी ताली हमारी थी, गाना कुछ और चल रहा है, एक कुछ और गा रहा है दूसरा कुछ और गा रहा है, एक का सुर कहीं जा रहा है दूसरे का टांग कहीं जा रही है, मतलब अलग अलग तरीके से। ऐसे आराधना नहीं करनी है हमें, हमें आराधना का एक तरीका है परमेश्वर, परमेश्वर डिसिप्लिन का परमेश्वर है, परमेश्वर ने यहाँ पर डिसिप्लिन दिखाया है एक वर्शिपर्स के अंदर, ध्यान से समझना यहाँ पर। और जब तुरियां बजाने वाले और गाने वाले एक स्वर से यहोवा की स्तुति और धन्यवाद करने लगे, और तुरियां झांझ आदि वादों को बजाते हुए यहोवा की यह स्तुति ऊंचे शब्द से करने लगे कि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है, तब यहोवा के भवन में बादल छा गया। ये वो टाइम है कि खुदा अपने हिस्से की ताली बजाए, क्यों? क्योंकि याजकों ने, तुरिया बजाने वालों ने, आराधकों ने, वर्शिपर्स ने अपने हिस्से का काम करना शुरू कर दिया। काम क्या है? उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया? अपने माता पिता, शारीरिक माता पिता, अपने आत्मिक माता पिता और अपने परमेश्वर की अधीनता में चले। दूसरा, अपने आप को पवित्र किया, अपने पश्चाताप करके प्रभु की उपस्थिति में आए। तीसरा, उन्होंने अपने आप को नम्र और दीन किया, अपने मन में से कड़वाहट निकाली, ठीक है। और चौथा क्या, जब उन्होंने सब प्रकार की ऐसी बुरी बातों को छोड़ा जो उनका विषय खराब कर रही थी, जो उनके अभिषेक को खराब कर रही थी, उस चीज को छोड़ा और अपनी नई चाल चलने लगे, मतलब खुदा के अनुसार अपने आप को चलाने लगे, संसार का सदृश ना बने। और पांचवा, कि वो एक मन एक आत्मा होकर, एक मन एक आत्मा होकर गाने वाले एक लय में गा रहे हैं, बजाने वाले एक लय में बजा रहे हैं, सुनने वाले एक लय में सुन रहे हैं, और बोलने वाले एक लय में बोल रहे हैं, ताली बजाने वाले एक लय में ताली बजा रहे हैं। जब एक यूनिटी आई, यूनिटी आने के साथ साथ मेरे भाई और बहनों, जब वो नम्र और दीन बनकर खुदा के ऊंचे स्वर से उन्होंने स्तुति करी, तो एक ताली पूरी तरीके से बज गई। ये डिसिप्लिन था आराधना करने का। जब डिसिप्लिन हुआ, अगर हम इस अध्याय, इस जो हम पढ़ रहे हैं, इसका अगर हेडिंग पढ़े, लिखा है परमेश्वर का तेज, परमेश्वर का तेज, परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर के अभिषेक और ताकत और अनुग्रह, उसकी भरपूरी, उसकी महिमा को अगर हम देखना चाहते हैं अपनी जिंदगी में, चाहे मैं कह रहा हूँ अकेला बंदा आराधना कर रहा है, वो पूरे लाखों बंदों को हिला सकता है, बड़ी टीम की जरूरत नहीं है। अगर अकेला बंदा सच्चा आराधक है ना, वो खुदावंद का स्वर्ग धरती पर ला सकता है, और सारे लोग आत्मा से भरकर, रो रो कर, आत्मा से भरकर, आहे भर भर कर, चिल्ला चिल्ला के आजाद होंगे, छुटकारे पाएंगे, पवित्र आत्मा का दान पाएंगे, दुष्ट आत्मा से आजाद होंगे, बीमारियां चंगाई में बदलेंगी, नामाफियां, सब प्रकार के रोग, आत्मिक और शारीरिक कमजोरियां, बीमारियां, रोग या बुराइयां, सब के सब जल जाएंगी, और खुदा अपनी रूह से सबको नया कर देगा। एक आराधक वो होता है, और परमेश्वर एक सच्चे आराधक को चाहता है। इसीलिए तो परमेश्वर के वचन में, वचन स्टार्ट करने से पहले आराधना की जाती है, ताकि परमेश्वर की उपस्थिति आए, और जो जो आराधना सुन रहा है वो अपने मुंह से गाए, और जब गाता है तो उसके मन को तैयार करे, परमेश्वर का आत्मा उसके मन को तैयार करे, आराधना के द्वारा उनके बंधन टूटे, और वो अपनी गलतियों को पश्चाताप करे, माफ़ी मांगकर, क्षमा मांगकर, क्षमा करके, दया अनुग्रह के साथ वो आराधना पूरी करके अपनी भेंट चढ़ाए। भेंट चढ़ाने का मतलब धन्यवाद करें मुँह से, एक आत्मिक रूप में बताया जा रहा है, मुंह से भी धन्यवाद करें, आराधना में धन्यवाद के साथ उसके फाटकों में प्रवेश करें, और जो पांच छह बातें बताई गई हैं उनके साथ अगर उनके अनुसार वो करेंगे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनकी जिंदगी में रिवाइवल ना आए। ध्यान रखना, अगर हम दाऊद को देखें, दाऊद जब खुदा की स्तुति आराधना करने लगा, तो मेरे भाई और बहनों, दाऊद इतना मगन हो जाता था कि उसके कपड़े भी कई बार उसके तन से ऐसे नाच रहा है तो उसके शोल्डर पे से उसका गमछा उतर गया, ये मतलब इस तरीके से नाचता था, इतनी खतरनाक आराधना करता था, लोग हैरान होते थे, लेकिन वो इतना जानता था कि सब के सब जो लोग मुझे देख रहे हैं, कोई मेरे बारे में हंस नहीं सकता, कोई मेरा मजाक नहीं उड़ा सकता, कोई निंदा नहीं कर सकता, क्योंकि यहोवा का जो यहोवा मेरा जो परमेश्वर है, मैं उसका दास हूँ, उसका अभिषिक्त हूँ, और मुझे यहोवा ने यहाँ का राजा बनाया है, मैं उसकी सच्चाई से आराधना करता हूँ, और कोई मुझ पर उंगली नहीं उठा सकता। वो लोग सच्चाई से आराधना नहीं करते, इसीलिए समझना, जो लोग सच्चाई से आराधना नहीं करते इसीलिए वो दास थे, लेकिन जो सच्चाई से आराधना कर रहा है वो खुलकर जी रहा है, वो राजा बन के जी रहा है। क्यों? क्योंकि उसने पूर्ण रूप से अपने आप को खुदावन के लिए दे दिया, अपने मन को नम्र और दीन करते हुए, अपने मन को बिल्कुल परमेश्वर के प्रति चलाते हुए, साफ करते हुए,
अपने कहते हैं ना कि होठों से तो तुम मेरा आदर करते हो लेकिन तुम्हारा मन मुझसे लगा नहीं। लेकिन दाऊद होठों से परमेश्वर की स्तुति करते करते अपने मन को भी परमेश्वर के मन भाव बना दिया। इसलिए प्रभु का वचन कहता था दाऊद तो मेरा मन भाव व्यक्ति है। और मेरे भाई और बहनों, जब दाऊद ने स्तुति करी ना, उस कई वचन ऐसे हैं जब दाऊद परमेश्वर की स्तुति करता है ऊंचे स्वर से तो आग लग जाती है। बड़ी खतरनाक बातें लिखी है। मैं पढ़ता हूँ तो सच में कई बार ऐसा लगता है पढ़ते पढ़ते आत्मा से भर गया, पढ़ते पढ़ते आंखों में कई बार नमी आ जाती है, पढ़ते पढ़ते ऐसा लगता है कि सच में खुदा मैं भी तेरी सामर्थ्य रूप से आराधना करूँ। बड़े खतरनाक वचन लिखे हैं, बहुत सामर्थ्य वचन लिखे। जब मैं दाऊद की उस आराधना को पढ़ता हूँ, जब वो परमेश्वर की स्तुति करता है, पुकारता है, आराधना करता है और परमेश्वर को महिमा देता है, तो बहुत खतरनाक, बहुत 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 प्यारे शब्द लिखे हुए हैं प्रभु की स्तुति करते हुए। उसको उसकी बड़ाई की है, उसकी बड़ाई करना, उसकी आराधना करना है। अगर कभी आपको मौका मिले पढ़ने का तो एक 18 अध्याय पढ़ना भजन संहिता का। और भी कई जगह दाऊद ने गीत गाए, परमेश्वर की आराधना की है शब्दों से, वचनों से। मूसा ने भी बड़ी खतरनाक आराधना की है परमेश्वर की, गीत गाए, मूसा का गीत, मरियम का गीत, और भी कई गीत हैं जिसमें बहुत खतरनाक बातें लिखी हैं। और उन्होंने परमेश्वर के भले भले कामों की उसमें बड़ाई की है, और वही परमेश्वर की स्तुति और आराधना है, उसकी महिमा करना है। तो यहाँ पर भी परमेश्वर के याजकों ने क्या करा, ऊंचे स्वर से एक शब्द से लिखा, वह भला है और उसकी करुणा सदा की है, वह भला है उसकी करुणा सदा की, बस इतना बोलते रहे, वो जोरों से बोलते रहे। लिखा है क्या हुआ आगे, तब यहोवा के भवन में बादल छा गया और बादल के कारण याजक लोग सेवा टहल करने को खड़े ना रह सके, क्योंकि यहोवा का तेज परमेश्वर के भवन में भर गया था। देखो यहां पर खुदावंद ने अपनी रूह को सामर्थ्य रूप से उतारा कि कोई भी खड़ा रह ना सका। ये सच्चाई है, जब खुदावंद का रूह, खुदा की आत्मा, खुदा का अभिषेक जब उतरता है एक आराधक के द्वारा उस कलीसिया पर, उन लोगों पर, तो कोई भी खड़ा नहीं रह सकता। के छुटकारे होंगे होंगे और होंगे, क्यों? क्योंकि जब परमेश्वर की सच्ची आराधना करने के द्वारा, चाहे एक ही बंदा आराधना कर रहा है, लाखों कलीस मतलब लाखों लोगों के बीच में सिर्फ एक ही सच्चा आराधक खड़ा है, चाहे वो छोटी सी बच्ची है, चाहे वो कोई बूढ़ा आदमी है, अगर वो दिल से छोटी सी आराधना कर रहा है, तो मेरे भाई और बहनों ऐसा हो नहीं सकता कि खुदावंद की उपस्थिति माना लगे। देखो छोटी सी गवाही बताता हूँ आपको, ये सच्ची गवाही है। कहा जाता है एक जगह कहीं पर बहुत बड़ी मीटिंग हो रही थी, बहुत बड़ा स्टेडियम था, प्रचार हो रहा था बहुत सामर्थ्य रूप से और बहुत बढ़िया प्रचार हो रहा था। लेकिन वहाँ पर जैसे ही प्रचार पूरा हुआ, प्रचार खत्म होने के बाद वहाँ प्रार्थना करने का मोमेंट आया, प्रार्थना करने का समय आया, तो वहाँ पर छोटा सा बच्चा पहुँचा बाइबल लेके अपनी, पास्टर जी मेरे को ना एक छोटा सा प्रभु के लिए ना आराधना करनी है, छोटी सी प्रभु को आराधना करना है, छोटा सा मुझे वचन पढ़ना है, पास्टर जी आप मुझे मौका दोगे क्या? तो पास्टर जी ने बोला, अरे छोटा सा बच्चा, चलो उसको एक मिनट, कोई नहीं इसको मौका देते हैं, चलो। तो उस छोटे से बच्चे ने जैसे माइक पकड़ा, वो बहुत बड़ी भीड़ थी, बहुत बड़ा स्टेडियम था, बहुत बड़ा स्टेडियम था। जैसे ही उस छोटे से बच्चे ने बाइबल पकड़ी, माइक पकड़ा, बाइबल खोली और भजन संहिता का उसने कोई चैप्टर निकाला, उसमें से उसने पढ़ना शुरू किया, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, यहोवा मुझे हरी हरी चराइयों में लेकर चलता है। परमेश्वर की जब उसने बड़ाई करनी शुरू की कि वो मुझे कभी घटी नहीं होने देता, वो मेरा चरवाहा है, वो मेरा रक्षक है, मैं उसकी स्तुति आराधना महिमा तारीफ करता हूँ, जैसे उस बच्चे ने उस टॉपिक को पढ़ना शुरू किया, पता नहीं आप मानो या ना मानो लेकिन ये सच्चाई है, जैसे ही पढ़ना शुरू किया, सबसे पहले दास चौंका, दास हिल गया, क्योंकि वहां पर जैसे ही बच्चा पढ़ने लगा, परमेश्वर का आत्मा, ऐसा रूह उस पूरे हॉल में, पूरे स्टेडियम में ऐसे भर गया, लोग चीखे मारने लगे, चिल्लाने लगे, आत्मा से भर गए, बड़ी से बड़ी हीलिंग्स हुई, छुटकारे हुए, चमत्कार हुए, आग लग गई आत्मा की वहां पर। कोई ऐसा नहीं रहा जिसको खुदा की आत्मा ने ना छुआ हो। लोग हैरान हो गए कि छोटा सा बच्चा सिर्फ वचन पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, परमेश्वर के अभिषेक तक चौंक गए। जो बड़े बड़े आराधक नहीं कर सकते थे ना, वो छोटे से बच्चे सिर्फ एक वचन पढ़ के ईमानदारी, सच्चाई से, नम्रता, और वो भी आज्ञा का पालन करते हुए, पास्टर जी कर सकता हूँ, मेरे को आराधना करनी है, अपने आत्मिक पिता का आदर करते हुए वो खुदावंद की उपस्थिति में आया, उसने अपने आप को पवित्र किया, छोटा सा बच्चा है, नम्रता के साथ उसने सिर्फ बाइबल खोली और जैसे ही पढ़ना शुरू किया, वैसे ही रूह परमेश्वर का ऐसा मंडल आया खुदावंद के, समझ लो खुदावंद वहां पर खुद उतर कर आ गया, बड़ी बड़ी चमत्कार हुए, हीलिंग्स हुई, मिरेकल्स हुए, दुष्ट आत्माएं निकली चिल्ला चिल्ला कर लोगों की आंखों में, इतने भर भर के आंसू, लोगों के जी में जी ना रहा, खुदावंद ऐसे उतर कर आया और कोई भी वहां पर बिना छुटकारे के नहीं रहा। और जब लोगों ने देखा, जैसे ही उन्होंने बोला, जैसे ही छोटे से बच्चे ने आमीन बोला ना लास्ट में, आमीन, बाइबल बंद करी,
तो सारे के सारे लोग चौंक गए। परमेश्वर ने उस बच्चे की महिमा करी और परमेश्वर ने अपनी महिमा उस बच्चे के द्वारा भी ली। सोचो मेरे भाई और बहनों, जो काम परमेश्वर के, जो मैं किसी पर दोष नहीं लगा रहा, अब समझना इस बात को, सिर्फ बच्चे ने कितनी देर पढ़ा होगा, लगभग उसको लगे होंगे 5 मिनट लग गए होंगे उसको पढ़ने, 5 मिनट के अंदर आग लगा दी, 5 मिनट के अंदर आग लगा दी। या हम चार चार पांच पांच घंटे अगर आराधना भी कर ले तब भी एक मच्छर नहीं मरता है हमसे। क्यों? क्योंकि कुछ तरीके हैं ना, हर चीज का एक शेड्यूल है, हर चीज का एक तरीका है, डिसिप्लिन है। हम उस चीज को समझ नहीं रहे, लेकिन हम सिर्फ झांझ बजाने, ताली बजाने, सर हिलाने और अपने जो भी वो इंस्ट्रूमेंट्स बजाने में कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, लेकिन हम इन चीज को कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे। खुदा अंदर से कुछ गहराई से कुछ चाहता है, अंदर से कुछ गहराई से कुछ चाहता है। कुछ करेक्शन करने की जरूरत है क्या? कहीं कोई तार वार बिगड़ा तो नहीं है, गड़बड़ी तो नहीं है तार में, कहीं झटक पटक तो नहीं हो रही है तार वार में? समझना है। इसीलिए एक आराधक की बहुत जरूरत है, इसीलिए खुदावन सच्चे आराधकों को ढूंढ रहा है। और एक बात कहना चाहता है प्रभु का आत्मा, देखो जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर को खोजते हैं, लेकिन जब हम आराधना करते हैं ना तो यहोवा हमें खोजता है। सोचो क्या भला है। प्रभु ये नहीं कह रहा कि प्रार्थना मत कर, प्रार्थना कर, लेकिन अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो आराधना तो कर। ये नहीं कि तू बस्ती को छोड़ के भाग जाए, आराधना कर। ऐसा मेरे साथ भी कई बार हुआ है, कई बार हमने आराधना की कोशिश करी, कई बार मेरे से बिल्कुल थोड़ा माइंड बजा था तो मैंने बिल्कुल आराधना नहीं करी, कई बार मेरा माइंड होता था, लेकिन कई बार खुदा ने इस चीज को लेकर सिखाया कि बेटा कुछ नहीं आ रहा, तू कम से कम आराधना तो कर। प्रार्थना नहीं कर पा रहा, वचन नहीं पढ़ पा रहा, आराधना तो कर मेरी, आराधना कर। आराधना के द्वारा छुटकारे होंगे, बंधन टूटेंगे, दुष्ट आत्माएं जलेंगी। जो चीजें तेरी जिंदगी में रुकावट थी वो रुकावटें खत्म होंगी। कैसे? आराधना के द्वारा। आराधना के द्वारा मेरी उपस्थिति तेरे बीच में लगेगी और छुटकारे होंगे। तो प्रार्थना उन चीजों के लिए नहीं भी करेगा तब भी मेरा आत्मा तेरे अंदर उतर कर आहें भर भर कर प्रार्थना करेगा। तू सिर्फ आराधना तो कर, बाकी काम मेरा है, लेकिन तरीके हैं आराधना करने के। तो इसीलिए मेरे भाई और बहनों, हमें इस बात का खासकर ध्यान रखना है, खुदा सच्चे आराधकों को ढूंढ रहा है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। हमें सच्चा आराधक खुदा का बनना है, क्योंकि आराधक खुदा यहोवा की उपस्थिति को लेकर चलते हैं। इसमें बोला जाए तो बहुत कुछ है, लेकिन जो कुछ छोटी छोटी बातें उनको हमें करेक्ट करना है। आज हम परमेश्वर के वर्षी पर, एक विश्वासी सच्चे विश्वासी एक वर्षी पर होने के बाद भी हमारे स्टेटस बताते हैं, हमारा व्यवहार बताता है और हमारा चाल चलन बताता है, हमारा ड्रेसिंग सेंस बताता है कि हम किसको फॉलो करते हैं। कई बार हम अपने कामों से ना खुदा के नाम को नीचा करते हैं और कहने को हम आराधक हैं, कहने को हम एक अच्छे विश्वासी हैं, लेकिन काम कैसे करते हैं? दुनियावी वाले काम ऐसे करते हैं कि हम संसार में सम्मिलित हैं और सुनने वाले, दूसरे देखने वाले ठोकर नहीं खाएंगे तो क्या खाएंगे? लड्डू खाएंगे। सोचो के देखो इस बात को, ठोकर खाते हैं दूसरे लोग हमारे गलत कामों के द्वारा। उदाहरण के तौर पर, जैसे मैं एक विश्वासी हूं, मैं एक आराधक हूं, मैं आराधना करता हूं या मैं विश्वासी वचन पढ़ता हूं, वचन प्रचार करता हूं, तो अब मैं, मेरा स्टेटस कुछ और है, प्यार भरे स्टेटस लगा लिए, लड़ाई दंगे के स्टेटस लगा लिए, हंसी मजाक के स्टेटस लगा लिए, एक दूसरे की टांग खींचने वाले स्टेटस लगा लिए, वीडियोस लगा ली, फालतू के कमेंट्स कर दिए, ठट्ठे वाले कमेंट्स कर दिए, निकम्मी व्यर्थ बातें कर रहे हैं, ऐसी उल्टी सीधी बातों को शेयर कर रहे हैं, दूसरों को दिखा रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, और अपने डीपी पर, अपने फोटोज पर कई बार हम वचन भी लगा लेते हैं। अब सोच कर देखो, क्या हम खुदा को मजाक समझ रहे हैं क्या? किसको महिमा मिल रही है? शैतान को महिमा मिल रही है। कैसे? अरे तो क्रिश्चियन है, अरे कल तो उसने क्या लगा रखा था लेकिन आज क्या लगा रखा है? अरे भाई बहुत अच्छा स्टेटस लगा था, बहुत मजा आता है, लेकिन कई कई बार पता नहीं क्या लिखा पढ़ी लगे, वचन वचन लगा देता है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, पता नहीं क्या लगाता है, समझ नहीं आता। अच्छा क्रिश्चियन है क्या ये? अच्छा क्रिश्चियन लोग ऐसे भी होते हैं क्या? अच्छा ऐसे कपड़े होते हैं, अच्छा ये सब कर सकते हैं क्या? अच्छा जब ही तो क्रिश्चियन ऐसे होते हैं। सो मुँह सो बातें, बहुत सारी बातें, किसी का मुंह नहीं रोक सकते, लेकिन हमारे कारण अनजाने में कोई भी ठोकर खा लेता था। और लिखा है हाय उस पर जिसके कारण ठोकर लगती है। हम आराधना किसकी कर रहे हैं? अपने कामों से हमें परमेश्वर की आराधना करनी है। जय मसीह की, प्रभु आशीष दे। अगर किसी को रोका जाता है तो कई बार लोग बुरा मान जाते हैं, मुंह बना लेते हैं, सहन नहीं कर सकते, रिपेंट नहीं कर सकते, सॉरी बोलकर आगे नहीं बढ़ सकते, अपने आप को अच्छा दिखाना, वो भी तो ऐसा कर रहा है, वो भी तो ऐसा कर रहा है। अरे सामने वाला गड्ढे में गिर रहा है तो हम भी गड्ढे में गिरेंगे क्या? अगर हमारे अंदर सीखने की भावना नहीं है, क्षमा मांगने की इच्छा नहीं है, अगर हम अपने आप को गलत नहीं ठहरा रहे हैं, अगर हम अपनी गलती को नहीं मान रहे, तो ध्यान रखना परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर नहीं है। चाहे हम कितने भी झांझ बजा लें, कितने भी मुंह से गा लें, खुदा हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। इसलिए तो वो कहता है तुम होठों से तो मेरा आदर करते, तुम्हारा मन मुझसे लगा नहीं है। अंत के दिनों में क्या होगा, तिमोथियुस साफ बताता है, कभी समय मिले तो खुदा का आत्मा अगुवाई करे तो जरूर प्रचार किया जाएगा आराधना को लेकर, आराधकों को लेकर और विश्वासियों के चाल चलन को लेकर।
कोई परफेक्ट नहीं है, मुझसे भी गलतियाँ हुई हैं, मैं कह रहा हूँ आज भी गलती हुई है मुझसे, लेकिन प्रभु चाहता है कि हे मेरे बच्चों मेरे पास लौट आओ, लौट आओ, पश्चाताप करो, मन फिराओ, माफ़ी मांगो और अपनी बुराइयों को छोड़ दो, मैं तुम्हें फिर से अपनाऊंगा, फिर से ऊँचा उठाऊंगा। तुम ऐसे कदम उठाकर अपना ही नुकसान करते हो, मेरा कुछ नहीं जा रहा। अरे और बहुत से लोग लाइन में लगे हुए हैं, मैं उनको उठा सकता हूँ, उनको उठा सकता हूँ। राजीव गांधी, सोनिया गांधी सत्ता में नहीं है, या कोई अटल बिहारी वाजपेयी, कोई भी अगर सत्ता में नहीं, गांधी नहीं है तो देश बंद नहीं हो गया। इसलिए ध्यान रखना, खुदा का काम कभी रोक नहीं सकता, किसी के बाप में दम नहीं कि कोई खुदा का काम रोक ले। खुदा के पास हजारों योजनाएं, जब ये लिखा है उसकी बुद्धि अगम है, अगम अगम बुद्धि है यहोवा परमेश्वर की, उसके पास लाखों योजनाएं, उसमें से एक भी फेल नहीं हो सकती, और हमारी लाखों योजना में से एक ही सक्सेसफुल होती है, वो भी शायद होगी तो होगी हल्की फुल्की, उसमें भी तिकड़म लगानी पड़ती है, बाकी सारी फेल। जय मसीह की, प्रभु आशीष दे। अगर किसी को बुरा लगा तो मैं क्षमा चाहता हूँ, प्रभु आशीष दे आप सभी को।